क्या आपने भारतीय फौज में भीष्म पितामह के बारे में सुना है? नहीं? आज के वीडियो में सुनेंगे ऐसे ही किस्से भारतीय फौज में हंटी और भीष्म पितामह के नाम से जाने जाने वाले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह राठौर के बारे में। हनुज सिंह राठौर का जन्म 6 जुलाई 1933 को जोधपुर के जासोल में हुआ था और उन्होंने 2nd कॉर्प्स, 1st इन्फेंट्री डिवीजन, 14th आर्मर्ड डिवीजन और 2nd पूना होस जैसी बटालियंस में अपनी सर्विसेज प्रदान की। लेकिन इस वीडियो में आए हैं, किससे ना सुने, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सुनेंगे ऐसे ही कुछ किस्से जिससे आज भी पाकिस्तानी फौज हनुज सिंह राठौर के नाम से दहशत में आ जाती है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसे योद्धा, ऐसे शूरवीर सदियों में सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं। हनुज सिंह राठौर को भीष्म पितामह इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने भारतीय फौज को अपना सर्वस्व देने के लिए आजीवन विवाह नहीं किया। लेकिन सुनने वाला किस्सा है सन 1971 के बासंतर युद्ध का, जब 2nd पूना होस के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह राठौर। भारतीय फौज की स्थिति जंग में बहुत ही नाजुक थी और वो दुश्मनों से चारों ओर से घिरी हुई थी। लेकिन उस सिचुएशन में भी, जैसा कि कहा जाता है, टफर सिचुएशन डिमांड्स टफर पीपल, लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह राठौर ने अपने किसी भी जूनियर ऑफिसर को 1 इंच भी पीछे हटने से मना कर दिया। उस समय 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और आगे चलकर हंटी को एक्सेप्शनल लीडरशिप और अकेले 7 पाकिस्तानी फौजी टैंकों को तबाह करने के लिए भारतीय सरकार से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ आज भी आर्मी स्कूल्स में जो ट्रेनिंग मैनुअल्स और टैंक मैनुअल्स पढ़ाए जाते हैं वो हनुज सिंह राठौर के द्वारा लिखे गए थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि मूछे हों तो नत्थू लाल जैसी, पर भारतीय फौज में ये नहीं कहा जाता। भारतीय फौज में कहते हैं मूछे हो तो हनुज सिंह राठौर जैसी, क्योंकि जितनी गर्वान्वित करने वाली उनकी मूछे थी उससे भी बड़े उनके कारनामे थे, जिससे जुड़ा हुआ है एक अगला किस्सा। किस्सा है 1 फरवरी 1986 के ऑपरेशन ब्रास ट्रैक्स का, जब जनरल के सुंदर जी को इंडियन आर्मी का जनरल अपॉइंट किया गया और उन्होंने तीनों सेनाएं, जो कि हैं इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास राजस्थान के करीब स्थित पाकिस्तानी सीमाओं के पास चालू करवाया और उसकी कमान, जी हाँ आपने सही समझा, उसकी कमान सौंपी गई हंटी यानी लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह राठौर के हाथों में। बट हंटी हैड सम अदर प्लान्स। सबसे पहले तो उन्होंने 1.5 लाख, जी हाँ आपने सही सुना, 1.5 लाख आर्मी पर्सनल्स को युद्ध अभ्यास के लिए वहां आमंत्रित किया। बड़ी संख्या में इतने आर्मी पर्सनल्स का पाकिस्तानी सीमा के करीब आना और इतना भीषण युद्ध अभ्यास करना पाकिस्तान को दहशत में डालने वाला था। एक तो लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह राठौर का खौफ और उसके ऊपर से इतने आर्मी पर्सनल्स की उपस्थिति, इट वॉज मेकिंग द मैटर वर्स फॉर द पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिसके खौफ के चलते पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जो कि एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अनुसार कोई भी एक देश इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर ऐसे युद्ध अभ्यास कंडक्ट नहीं करवा सकता, उसका प्रयोग किया और ये ऑपरेशन ब्रास ट्रैक्स अपने 4th चरण में ही रोक दिया गया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह राठौर और उनके साथी ऑफिसर्स भारतीय सरकार से काफ़ी खफा थे। जनरल वीके सिंह, जो कि इंडियन आर्मी में बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी किताब लीडरशिप्स ऑफ द आर्मी के बारे में 12 ऐसे विशिष्ट लीडरों का जिक्र किया है जिन्होंने भारतीय फौज में अपनी सेवाएं प्रदान की और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह राठौर के बारे में लिखते हुए वो कहते हैं कि जैसा उनका रुतबा था और जैसी उनकी सोच थी, इस बात में कोई भी शक नहीं था कि अगर उन्हें ऑपरेशन ब्रास ट्रैक रोकने का आदेश ना दिया गया होता तो भारत और पाकिस्तान दोनों का ही आज नक्शा बदल चुके होते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह राठौर की इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी उन्हें आर्मी जनरल नहीं अपॉइंट किया गया। जब उनसे इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही धीरे स्वर में कहा कि ये मेरा नहीं, इस देश का नुकसान है, क्योंकि उच्च अधिकारियों ने सेना अध्यक्ष चुनने के लिए काबिलियत से ज़्यादा किसी और चीज़ को तवज्जो दी। उन्होंने यह निश्चय किया कि हर सेना अध्यक्ष काबिल नहीं हो सकता है और हर काबिल फौजी सेना अध्यक्ष नहीं बन सकता है। उनकी काबिलियत का आलम आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1971 युद्ध की दिखाई हुई शूरवीरता के लिए पाकिस्तानी सरकार, जी हाँ आपने सही सुना, पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें फक्रे हिंद का खिताब तक दे दिया था। लेकिन जैसा कि एक सच्चा फौजी एक सच्चा देशभक्त होता है कि वो अपनी अंतिम सांसों तक इस देश के लिए अपना संपूर्ण बलिदान कर देता है,
यही कारण था कि सन 1991 में रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने जोधपुर न जाकर देहरादून में रहने का निश्चय किया, क्योंकि देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसों तक यंग ऑफिसर्स को ट्रेन किया। मैं इस वीडियो में आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि आज की यूथ, आज की युवा पीढ़ी को ऐसे बेनाम रह गए ऑफिसर्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद।